हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द एक्सरसाइज बेटा 10.1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, वेरी इजी टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ फिगर 10.10 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। हियर इट इज गिवन बेटा टू यू कि हमारे पास जो है ये एक लाइन है, इसमें पॉइंट एक ए है, एक पॉइंट बी है, और ये पॉइंट हमें मेंशन है 1985.92 और सेकंड 1995.97 दैट इज गिवन टू अस। और उन्होंने कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड जो है what will be the population in the year 2010। यहाँ पर हमें basically जो है अलग अलग years mention किए हुए हैं, 1985, then 1990, then 1995, after then 200, अलग अलग जो है years दिए हुए हैं, और इधर population दी हुई है 87, here it is 92 and then 97 so on। सबसे पहले तो कहा गया स्लोप कैलकुलेट कीजिए। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? टू पॉइंट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं कि टू पॉइंट्स पता हो जाए। एक लाइन पे तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लाइन पे ये दो पॉइंट्स दिए, ये x1 y1, ये x2 y2, हमें पता चल गया स्लोप क्या करेंगे। हमारे पास जो है y2 - y1 ओवर जो है x2 - x1, ये मेरे पास स्लोप आ गई। मैं सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। अब मुझे कहा यूजिंग दिस, है ना, पेपर में तो अब ऐसा कभी थोड़ा आता है कि यूजिंग दिस। उन्होंने मुझे ये कहा गया कि आप पॉपुलेशन बताइए 2010 में। हम क्या मान के चलते हैं, स्लोप तो लाइन की सेम ही रहनी है ना। अगर मैं यही पॉइंट ले लूं और 2010 पे मेरे पास हो गए, मैं पॉइंट क्या मान लूं, वाई मान लूं, इसी पर रहेगा ना 100%। तो मैं अगर ए और इस पॉइंट को लेके भी स्लोप कैलकुलेट करूं, और एक स्लोप ये कैलकुलेट किया, स्लोप तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स दैट मस्ट बी इक्वल टू y-92 ओवर मेरे पास तो है 210-1985। इनको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, और y की वैल्यू आ जाएगी, वो 2010 की क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। समझ आ गई बेटा, क्योंकि मैं ग्राफ से रीड नहीं कर सकती हूँ प्रॉपर, ठीक है ना। तो उसने वैसे भी कि अगर हम ग्राफ से ना भी रीड करना चाहें, हमें सिंपल कह दिया जाए कि एक ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, उसपे ना ये दो पॉइंट्स है, और ये कुछ नहीं दिया, नथिंग इज स्पेसिफाइड, और मुझे कह दिया 2011 की पॉपुलेशन निकालो, तो मैं क्या यूज करूंगी, स्लोप का कॉन्सेप्ट ही यूज करूंगी। ओके बेटा, क्लियर, चलो आगे। चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। अब बेटा, अभी तक हमने जो स्टडी किया वो हमने एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में, स्लांटिंग कितनी, कितना ढाल उसकी होती है, मैंने ये बताया था कि स्लोप का मीनिंग एक लेमैन को बताना है ना, तो उसका मतलब होता है ढाल, कितना हम उसको टिल्ट करें एंगल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, विद ग्राउंड, तो वो उसकी स्लोप होती है। उतना एंगल हम देख लेते हैं, उसका टैन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने जो है टेंथ में हमें इक्वेशन दी होती थी, हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे या उसको सॉल्व करते। अब हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बनाना सीखना है। लेट अस सी कि हमारे पास जो है इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करेंगे, कैसे किसी लाइन जो है हमारे पास हो सकती है। मैं क्या करूंगी बेटा, मैं एक चार्ट पूरा बना के आपको दूंगी कि कौन सी इक्वेशन कब यूज होनी, क्योंकि अगर हम एक फॉर्म करते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे, आपको पता लग ही जाएगा हमने वही यूज करना है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट कि मेरे पास कौन कौन सी टाइप है,
और टोटल टाइप्स कितनी है वो एक टेबुलर फॉर्म में हम सारा लिखेंगे। ओके जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। अब इसमें टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ओके। व्हाट इज गिवन, क्या गिवन हो कि हम ये स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, यहां पर ही इक्वेशन लिख दूंगी और फिगर ड्रॉ करके भी आपको थोड़ा सा दिखा सकती हूँ, ठीक है जी। फर्स्ट मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो कैसी लाइंस होंगी मेरे पास, देखिए दिस इज द लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया ताकि मुझे पता चल जाए किसकी इक्वेशन लिखनी है। ये चीजें तो आप 10th में भी कर चुके हो, 9th में भी, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको पता है अगर उसका कांस्टेंट डिस्टेंस मुझे पता चल जाए, मान लो ए है या बी है या सी है, कुछ भी पता चल, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ए, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वो कॉन्स्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर इस तरफ होगा तो वो अपने आप जो है मेरे पास नीचे को डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है तो वो अपने आप माइनस टू आ जाएगा, अगर टू डिस्टेंस पे है। अगर ऊपर है तो वो पॉजिटिव रहेगा तो अपने आप क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा। तो मेरे पास गिवन क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, दैट इज ए पता होगा तभी मैं इसकी इक्वेशन लिख सकती हूँ। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए, ओके। ये नहीं करना, बच्चे कहते हैं मैम अगर नीचे होगी तो y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, वो तो a की वैल्यू अपने आप नेगेटिव हो जाएगी ना, है ना। अगर नीचे को है तो वो a नहीं रहता, वो अपने आप a जो भी है वो माइनस टू हो जाएगा या माइनस थ्री हो जाएगा या माइनस फोर हो जाएगा, डजंट मैटर, ओके। सेकेंड, मेरे पास वर्टिकल लाइन्स कैसी होती हैं, पैरेलल टू y एक्सिस। अब फिगर ड्रॉ करूं तो इफ आई ड्रॉ द फिगर, इसकी इक्वेशन लिखनी है मैंने, ये x है दिस इज y, क्या पता होना चाहिए, अगेन अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यहां पर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ओके जी, क्लियर। तो मेरे पास हो गए यहां पर कॉन्स्टेंट डिस्टेंस दैट इज सी शुड बी गिवन टू अस, अगर सी नहीं पता तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। इक्वेशन क्या हो गई, यहां पर x is equal to, कई बुक्स में x is equal to a, y is equal to b, doesn't matter, constant है, आप pq भी लिख लोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चले बेटा आगे, ठीक है। ये तो बहुत इजी थी, x axis की इक्वेशन आती है y is equal to 0, उल्टा होता है, और y axis की x is equal to 0, यहां तक आप लोगों को सब कुछ पता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये इक्वेशंस जो हैं वो कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब मेन मेरे पास हो गए काम स्टार्ट हो रहा है कि कैसे हम लोगों ने जो है यहां पर इक्वेशंस को लिखना है। मेन फर्स्ट मेरे पास हो गए, उसका नेम होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, थर्ड नंबर हम देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, थर्ड नंबर पॉइंट स्लोप फॉर्म, नेम से ही क्लियर है, अगर आप देखो बिल्कुल क्लियर कट, एक पॉइंट चाहिए
और क्या पता होना चाहिए, स्लो, यानी दिस इज अगर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक ऐसी लाइन जिस पे मुझे एक पॉइंट एक्स वन वाई वन और इसकी स्लोप, यानी चाहे वो एम पता हो मुझे या मुझे थीटा पता हो, कुछ पता हो, थीटा पता है तो मैं स्लोप फाइंड आउट कर सकती हूँ कैसे, टेन थीटा से। और अगर मुझे सीधा ही स्लोप पता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो मेरे पास हो गए गिवन क्या होना चाहिए, पॉइंट एक्स वन वाई वन, स्लोप मुझे एम या मैं आपको कह रही हूं कि थीटा, एक ही बात, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बनती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये बनी पता कैसे, आपको ये लगता पता नहीं कहां से जादू से बन गया। हम क्या करते हैं, एक जर्नल पॉइंट इस लाइन पे ले लेते हैं एक्स वाई, दिस इज अ जर्नल, ऑलवेज अ जर्नल पॉइंट, ये मूव करता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर, यहां कहीं पे भी हो सकता है। अब दो पॉइंट पता लग गए एक स्ट्रेट लाइन पे, अगर दो पॉइंट पता लग गए तो वो क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, बट स्लोप किसके इक्वल दी है, एम। तो अगर मैं देखूं, मैं एम को इधर रहने दूं, इसको इधर ले जाऊं, तो ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है कि नहीं है, और वो किसके इक्वल, स्लोप, ये वहीं से बना। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड अ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ना, जितने भी फॉर्म्स है उसमें जर्नल पॉइंट यूज जरूर आते, ओके। नॉर्मली बच्चों को ये पता नहीं चलता ये एक्स वाई के, दिस इज अ जर्नल पॉइंट, प्लीज मेंशन हियर जर्नल पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है जो हमें बता, ओके। तो हमने इक्वेशन सीधा डायरेक्टली याद रखनी है, वेन एवर वन पॉइंट एंड द स्लोप इज गिवन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। किसी को चेंज करते हैं नेक्स्ट, मेरे पास टू पॉइंट फॉर्म, अब आप खुद ही बता सकते हो टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या, क्या पता होना चाहिए, दो पॉइंट, यानी व्हाट शुड बी गिवन टू यू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ये दोनों गिवन होने चाहिए तभी हम ये फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो मैं इक्वेशन वही है, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, बट स्लोप आप कैसे निकालेंगे, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, बिल्कुल वैसे ही है अगर देखा जाए। अब मैंने क्या किया, मुझे स्लोप डायरेक्टली नहीं गिवन, अब मैं सेकंड की फिगर बना रही हूं, बट आपको एक पॉइंट एक्स टू वाई टू भी दे दिया, मैंने एक स्लोप इनसे निकाली और एक स्लोप इससे निकाल ली, है तो सेम ही लाइन पे लाई कर रहे ना, और दोनों को अगर इक्वेट कर दूं, अगर इसको इसके नीचे ले जाऊं तो देखो वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, और इधर क्या आएगा, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन, है तो स्लोप का ही कमाल है सारा, सब कुछ स्लोप पे डिपेंड कर, कोई नया काम तो नहीं किया हमने, इक्वेशन भी किससे निकाल लें, स्लोप से ही निकाल, बात समझ आई बेटा, चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं, हाँ जी। ये बेटा y माइनस वाई वन, ये देखो ऐसे ही है, एक पॉइंट फिक्स कर लिया x1 y1, m की जगह स्लोप क्योंकि टू पॉइंट है, और x माइनस एक्स वन, मैंने कहा कैसे बनी, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, इस फिगर को देखो, ये सेकंड की फिगर बनाई है मैंने, देखो एक्स वाई जर्नल, दो पॉइंट्स गिवन, स्लोप तुम इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो, दोनों की स्लोप क्या रहनी, सेम ही रहनी, कोई प्रॉब्लम थोड़ा, बात क्लियर होगी बेटा, हाँ जी। नहीं नहीं प्रूफ नहीं, मैं आपके लिए बता रही हूँ, अगर मैं सीधा बता देती बेटा जी टू पॉइंट फॉर्म में ये इक्वेशन है, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, मैम ये बने कहां से, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऐसे फॉर्म हुई, एटलीस्ट लॉजिक तो पीछे पता होना चाहिए ना, कि हर जगह पे कर तो स्लोप ही रहे हम, इफ थ्री बेसिकली
ये थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन होगी, तो हमने पहली एक्सरसाइज में भी किया था कि थ्री पॉइंट्स आर ऑन ए लाइन, तो स्लोप क्या होती है, दो दो करके सेम होती है। तो मैंने एक ए बी की स्लोप ली और एक ए की सी के साथ स्लोप ली, तो स्लोप इक्वेट कर दिया, तो अपने आप इक्वेशन बन गई। ड्राइव करना इज नॉट इन आवर, मतलब हमें कभी नहीं आता, बट फिर भी आपको समझा रहे, तो दिमाग में बैठ जाती है। हम अभी तक हमने क्या किया, अगर हम पूरा चैप्टर रिकॉल करें, सबसे पहले हाँ जी मेरे पास हो गए, स्लोप का कॉन्सेप्ट किया था, स्लोप का कॉन्सेप्ट कितनी फॉर्म में किया था, थ्री फॉर्म में, कौन कौन सी, सबसे पहले y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, फिर मैंने बताया था tan थीटा का, फिर मैंने बताया था अगर इक्वेशन दी है तो वहां से भी स्लोप निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना, तो दैट इज माइनस ए बाय, मेरे पास तो है बी, वो स्लोप का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आज हमने की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, सबसे पहले कौन सी की, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर की वर्टिकल, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर हमने की वन पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, फिर क्या की टू पॉइंट फॉर्म, कैसे की थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस, कैसे चैप्टर याद नहीं होता, आप मैं आपको बार बार कह रही हूं, अगले टॉपिक करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस वन मैथ्स में, तो देखो आपको मैथ्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, यहां तक सबको पता, क्या कुछ ज्यादा किया हमने, कुछ भी ज्यादा नहीं किया, पांच ही तो कॉन्सेप्ट किए अभी तक, तीन स्लोप के और वो कांस्टेंट वाला तो ऐसे ही होता है, चलो दो ये मान लेते, हाँ जी वो भी किया था बिल्कुल, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप सेम होती है, और परपेंडिकुलर हो, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस वन, जो छोड़ा था वो भी कर दिया, ओके जी। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब हम करते, अब मेरे पास जो है नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो कैसी बनती है, लेट अस सी मेरे पास, क्योंकि ये ना टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास इक्वेशंस में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम वो टाइप उठाते हैं, कि अच्छा एक पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ले लो जी, अच्छा जी दो पॉइंट्स दिए हैं तो टू पॉइंट फॉर्म ले लो, ओके जी। चलो नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं कि इसमें क्या लगना है, एग्जाम्पल सेवेंथ है मेरे पास on page 214, okay, find the equation of a line passes through this point and slope, अब आप मुझे बताओ करने वाला क्वेश्चन है ये, क्या करें इसमें, फर्स्ट टाइप जो है कौन सी इक्वेशन होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, y को y रहने देना बेटा, ये x, x1 है, ये y1 है, तो मेरे पास वो है माइनस थ्री स्लोप माइनस फोर x माइनस x1, ये प्लस टू, इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब पहले x वाली क्वांटिटी, फिर y वाली, फिर कॉन्स्टेंट, ओके जी। सबको बात समझ आ गई मेरी, आगे जाने का कोई फायदा नहीं अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है, क्लियर। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए कि वो क्या कहता है, लेट अस सी एग्जाम्पल एट, आपको खुद ही पता चलेगा देखो कि कौन सी फॉर्म लगनी है, हाँ जी, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, मेरे पास जो है क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, दिस इज x2, y2, देन विच फॉर्म वी हैव टू यू, टू पॉइंट फॉर्म, अपने आप पता चल रहा है, y माइनस जो है आपकी मर्जी, आपको एक फिक्स करोगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपने किसको y1, वैसे हम बच्चों को कहते हैं जो पहला पॉइंट दिया है वो x1 y1 होता है, जो दूसरा पॉइंट दिया है वो x2 y2 होता है। अब बेटा मेरे पास हो गए प्लस वन, अब स्लोप फाइव प्लस वन थ्री माइनस टू एक्स माइनस वन, सॉल्व कर लो एंड गेट योर इक्वेशन, हो जाएगा बेटा बहुत इजी। नेक्स्ट बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो थर्ड टाइप मेन, जिसको जो है आप नंबरिंग देख लेना, जो भी है
अब मैं नंबरिंग नहीं डालूंगी, आप में जो भी बन रही है। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ जी बेटा, अब स्लोप वर्ड आ गया यानी स्लोप दिए। अब दूसरा वर्ड मेरे पास हो गए, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट का मतलब है ये कहीं ना कहीं लाइन y एक्सिस को कहीं काट रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट y एक्सिस, इस पॉइंट पे काट रही। मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया 0, c। स्लोप गिवन होनी चाहिए, दैट इज m, एंड इंटरसेप्ट। बट इंटरसेप्ट कहां पर? y एक्सिस पे बात कर रही, ये गिवन पता होना चाहिए। इसको मैंने मान लिया c, तो तब मैं सीधा इक्वेशन लगा सकती हूँ। तब इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर ये नहीं भी लगानी ना, अगर आपको एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, कौन सी फॉर्म लगा सकते हो? वन पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं ना, जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हो। उससे भी निकाल के देख लो, इक्वेशन यही बनेगी। क्योंकि ये वाई वन है, ये उधर चल जाएगा, वाई माइनस वाई वन इंटू स्लोप इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन तो जीरो ही है ना, देखिए जिससे मर्जी निकालो, वैसे ही उसने एक नाम दे दिया। अच्छा, अगर जरूरी थोड़ा है मुझे हर बार लाइन का वाई इंटरसेप्ट ही पता, इट इज नॉट नेसेसरी ना। अच्छा, अगर एक्स इंटरसेप्ट पता है ना, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? राइट डाउन, स्लोप पता है, इंटरसेप्ट यहां पर लिख लीजिए, y इंटरसेप्ट पता है, नेक्स्ट में लिख लीजिए इंटरसेप्ट ही है, बट कौन सा इंटरसेप्ट है? x इंटरसेप्ट। तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू m x माइनस d। रीजन, अब ये वाला पॉइंट पता है ना, डी कॉमा जीरो, तो अपने आप वो वाई जीरो होगा, तो वाई माइनस वाई वन जीरो, स्लोप इनटू एक्स माइनस, ठीक है ना। वैसे पता होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइप ही यूज करनी पड़ती है, तो मैंने बताया, नहीं तो वन पॉइंट फॉर्म से भी ये क्वेश्चंस निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टाइप इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई स्लोप वर्ड नहीं यूज हुआ, इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको मेरे पास हो गए, लाइन प्रॉपरली ड्रॉ करते थे, इधर को ये लीजिए a कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी, ये गिवन है, यानी x एक्सिस पे वो कहां कट कर रही है और y एक्सिस पे वो कहां कट कर रही है। अगर ये पता हो, वैसे तो आप यहाँ टू पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि अगर x एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट क्या हो गया, a कॉमा जीरो। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है तो क्या हो गया, जीरो कॉमा, तो टू पॉइंट एक लाइन पे पता है, टू पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो। मैं कहती हूँ क्यों इतना टेंशन लेनी, सीधा ही इंटरसेप्ट, एक्स ओवर ए वाई ओवर बी इक्वल्स वन, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट। बेटा एक्स एक्सिस पे कितना काट रही है, ए, वाई के नीचे वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है जी। अच्छा, कई बार मान लो आपको ऐसे इक्वेशन दे दी गई, आपसे पूछा गया ये वाई, इसका वाई इंटरसेप्ट बताओ, क्या करेंगे? इफ आई राइट द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन,
कितना कंफ्यूज हो गई। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या, वाई एक्सिस पे कहाँ काट रही है, वाई एक्सिस पे कोई भी अगर लाइन काट रही है वहां एक्स क्या होता है, अरे एक्स जीरो पुट करो, एक्स जीरो पुट करोगे तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। अगर आपने वाई एक्स इंटरसेप्ट देखना है तो वाई जीरो पुट कर दो तो एक्स आ जाए। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि यू कन्वर्ट दिस स्ट्रेट लाइन इन दिस फॉर्म, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते। अगर वैसे आप वैसे भी करके देख लो, इस फॉर्म में भी चेंज करके देख लो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। मैं इसको इस फॉर्म में कर रही हूँ, करने के लिए कांस्टेंट टर्म को वन बनाना होता है, कांस्टेंट टर्म को वन बनाने के लिए फाइव से क्या कर दूं, डिवाइड। तो जब मैंने डिवाइड किया ये आया, ये क्या बन जाएगा, फाइव बाय टू, 2.5 आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी 2.5 पे एक्स एक्सिस पे काट रही होगी और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, 5 पे। तो ये भी कर सकते थे, मैं सीधा पुट करती, y देखना है तो x 0 पुट किया, y की वैल्यू 5 आई, और अगर मैंने जो गए x देखना है तो y 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 2.5 आई, सेम ही है ना, समझ आ गई बेटा, क्लियर। गिवन a एंड b, x एंड y इंटरसेप्ट, गिवन ए एंड बी, ओके बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, कोई डाउट आपके मन में चल रहा है तो यू कैन आस्क मी बेटा, एनी डाउट दैट कम्स इन योर माइंड। अभी दो टाइप कराई, उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, फिर लास्ट टाइप रह जाएगी, बहुत इजी है वो भी। हाँ जी, मेरे पास हो गए एग्जाम्पल 9th, देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एग्जाम्पल 9th आई एम डूइंग, हाँ जी, एक इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखनी है फॉर विच टैन थीटा 1/2, फर्स्ट मुझे वाई इंटरसेप्ट दे दिया -3/2। अब आपको क्लियर कट है, स्लोप पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m की वैल्यू 1/2, x एज इट इज, c की वैल्यू दिस, सॉल्व इट एंड राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ऐसे नहीं करना, नहीं हमें याद जी y इंटरसेप्ट वाली फॉर्म, कंफ्यूजन लग रही है, इफ y इंटरसेप्ट इज गिवन टू यू द पॉइंट बिकम दिस, यही बना, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, वन पॉइंट फॉर्म तो किसी को नहीं भूलती है ना, वाई माइनस वाई वन जो है स्लोप एक्स माइनस एक्स वन, देख लो बनी कि नहीं बनी, चेक इट, सेम फॉर्म बनी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है जी, चले आगे बेटा। एनी डाउट, मैं फिर पूछ रही हूँ, नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10th बेटा, 9th हो गया, 10th ऑन पेज बेटा 216, एग्जाम्पल नंबर 10th देखिए, ये बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों जैसे, इसमें मतलब बिल्कुल किडिश वर्क है, मेन तो काम आगे आएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which have intercept -3 and 2 on x-axis and on y-axis. So, क्या होगा, x over a plus y over b that is equals to 1, straight line की equation हो गई, ठीक है, okay। अब main जो last form है straight line की, इसमें थोड़ा सा workout करना पड़ता है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म जो है मेरे पास ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या है, पहले तो इसको समझे, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल का मतलब क्या होता है पता है, इंग्लिश में नहीं, मैथ्स में नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नो नॉट नेसेसरी 90 डिग्री,
नहीं है 90 से कोरिलेटेड, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होना है ना, आपने एंगल कहा 90, इट्स ओके, बट बेसिकली जो एक टेंजेंट होता है ना, जो एक किसी भी चीज को टच करता है, वो लाइन ही होती है टेंजेंट। टेंजेंट पे एक जो परपेंडिकुलर होती है ना स्ट्रेट, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना। क्योंकि जो एक नॉर्मल बंदा होगा ना वही सीधा साधा खड़ा होगा, जो नॉर्मल नहीं होगा ना वो गिरता पड़ता बेचारा, इसीलिए नॉर्मल सीधा, सीधा मतलब 90, तो वो लर्न करने का मेथड, ठीक है। स्लांट कैसे हो सकता है, अगर ये लाइन है, हम उसने तो, एक सही बंदे ने तो इसको बेस ही लिया ना, उसने तो सीधा ही खड़ा होना, वो बेचारा जैसे मर्जी खड़ा, चाहे रस्सी से खड़ा हो चाहे जैसे, वो तो अपनी तरफ से इसको ग्राउंड लेवल समझ के अपने आप को परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मल मीन्स एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, हम ये कह सकते हैं। ओके ठीक है जी। तो अब बेटा मेरे पास, हमने नॉर्मल फॉर्म की बात करनी है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में बेटा हमारे पास जो है, देखिए ये एक लाइन है मेरे को जिसकी इक्वेशन लिखनी है, ओके। इस पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दैट मीन्स नॉर्मल दिया हुआ है, इस पे नॉर्मल दिया है। जो नॉर्मल बच्चा होगा ना वही सुनेगा मेरी बात, ठीक है, सीधे बैठ के आराम से, हाँ जी। और इस नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है, उसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दो, वो जैसे डब्ल्यू होता है, या थीटा से, डजेंट मैटर, फाई से, अल्फा से, इसीलिए क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंस किसकी है, नॉर्मल की। मैथ्स वही कर पाएगा जो नॉर्मली टीचर को सुनेगा, ठीक है जी। जो पूछेगा कितने मिनट रह गए, 2 मिनट, 1 मिनट, सॉरी, ठीक है जी, क्योंकि दिल नहीं है इसका मतलब यहाँ पढ़ने का, है ना। तो यहां पर प्लीज प्लीज प्लीज, अब इस लाइन का अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं पी ले लू, तो बेटा मेरे पास जो है नॉर्मल की इक्वेशन जो बन जाती है, दैट इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। ये तो डिस्टेंस है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इधर नेगेटिव है तो उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करके स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है, ओके जी। वी विल कंटिन्यू दिस टाइप, पी पी एंड थीटा इज गिवन हियर, ओके बेटा, क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम, ओके, गुड बाय एंड